का वीडियो हमारा FY BCOM आइडियल स्टूडेंट्स के लिए है, मैथमेटिक्स एंड स्टैटिस्टिक्स का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर, दैट इज कमीशन, ब्रोकरेज, डिस्काउंट एंड पार्टनरशिप। इसमें से पहला कमीशन, कमीशन के ऊपर ये वीडियो मैं बनाने जा रहा हूं। टोटल पूरे चैप्टर के ऊपर मैं 3 to 4 वीडियोस पोस्ट करूंगा। उसके अंदर पहला वीडियो कमीशन के ऊपर है। पहले 2 क्वेश्चन कमीशन के अंदर मैंने एकदम बेसिक लिए है क्वेश्चन, उसके बाद के क्वेश्चन मैंने पास्ट पेपर से अडॉप्ट किए, दैट इज दिसंबर 2019 का पेपर लिया है मैंने क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर, देन मे 2018 का क्वेश्चन लिया है, अप्रैल 2017 के 2 क्वेश्चन लिए है, ऐसे पास्ट पेपर से क्वेश्चन लिए है 5 और 2 बेसिक क्वेश्चन लिए। तो वीडियो को लास्ट तक देखिए, बढ़ते हैं पहले प्रॉब्लम की तरफ। Our first question is, an agent sold ₹3,000 worth article on 5% commission basis. Find the commission of agent. Agent का commission find करना है हमें, तो simply एक formula लिखता हूं मैं, कोई particular formula नहीं है commission का। Commission equals to selling price of आर्टिकल इंटू रेट ऑफ कमीशन। सेलिंग प्राइस ऑफ आर्टिकल इज 3000 इंटू रेट ऑफ कमीशन इज 5%। 3000 इंटू 5% इज 150. Is it clear? For this calculation, you can use calculator. Now, move on to the second problem. Our next question is, an agent was paid ₹1,596 as commission at the rate 12%. Here, commission is 1,596 and that 12% is rate of commission on the sale of bicycle. The selling price of each bicycle was ₹950. Selling price is given of each bicycle, selling price is given of each bicycle, that is 950. Find the number of bicycles sold by the agent. Here we have 1596 as commission. हमारे पास commission दिया हुआ है 1596, but this is total commission. हमारे पास selling price दिया हुआ है 950. This is per bicycle selling price. तो हमारे पास अगर पर बाइसाइकल सेलिंग प्राइस दिया हुआ है तो हमारे पास पर बाइसाइकल कमीशन भी होना चाहिए। इसलिए सबसे पहले हम कैलकुलेट करेंगे पर बाइसाइकल कमीशन। तो मैंने फॉर्मूला लिख के रखा है यहां पर, कमीशन इक्वल्स टू सेलिंग प्राइस इनटू रेट ऑफ कमीशन, और यहां मैं लिख देता हूं कमीशन पर बाइसाइकल। सेलिंग प्राइस कितना दिया हुआ है, selling price is 950, rate of commission is 12%, 950 into 12% करेंगे हम तो आ जाएगा 114. You can use calculator for this calculation. ये हमारे पास आ गया commission per bicycle. अब commission per bicycle हमारे पास है, हमारे पास total commission भी है, तो हम number of bicycles आराम से find कर सकते हैं। तो number of bicycle equals to टोटल कमीशन, दैट इज 1596 अपॉन कमीशन पर बाइसाइकल, दैट इज 114, डिवाइड करेंगे आंसर आ जाएगा 14 बाइसाइकल्स। इज इट क्लियर? थर्ड प्रॉब्लम इज, एन एजेंट सेल्स इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स वर्थ ₹75,000, हिज रेट ऑफ कमीशन इज 5% ऑन द फर्स्ट 20,000, 6% ऑन द नेक्स्ट 30,000 एंड 7% ऑन द रेस्ट। क्या बोल रहा है कि 5% कमीशन वो कमाता है ऑन द फर्स्ट 20,000, देन 6% ऑन द नेक्स्ट 30,000 एंड 7% ऑन द रेस्ट। फाइंड हिज कमीशन एंड एवरेज रेट ऑफ कमीशन। पहले तो हम कमीशन फाइंड कर लेते हैं, तो कमीशन का फॉर्मूला मैंने लिखा है यहां पर, सेलिंग प्राइस इनटू रेट ऑफ कमीशन। अब रेट ऑफ कमीशन जो है वो अलग अलग स्लैब के लिए अलग अलग रेट ऑफ कमीशन है। मैं यहां पर थोड़ा सा वर्किंग कर लेता हूं। टोटल सेलिंग प्राइस इज 75,000, उसमें से उसने पहला स्लैब बनाया है 20,000, सेकेंड स्लैब इज
30,000, नाउ 20 प्लस 30 इज 50, तो कितना बच गया हमारे पास 25,000, तीनों मिला के हो गए 75,000. अब 20,000 के उसने रेट ऑफ कमीशन बोला 5%, इसके लिए 6% और इसके लिए 7%. तो सेम यहां लिख देंगे हम सेलिंग प्राइस 20,000, तो रेट ऑफ कमीशन 5%, सेलिंग प्राइस 30,000, तो रेट ऑफ कमीशन 6%, सेलिंग प्राइस 25,000, तो रेट ऑफ कमीशन 7%. कैलकुलेशन कर लेंगे, 20,000 का 5% इज 1,000, 30,000 का 6% इज 1,800, 25,000 का 7% इज 1,750. स्टूडेंट्स रिक्वेस्ट है आपसे कि आप ऐसा ओरली मत कीजिए, आप कैलकुलेटर का यूज कर सकते हैं. टोटल कर लेंगे इसका 4,550. दिस इज टोटल कमीशन, ये हमारे पास टोटल कमीशन आ गया. अभी उसने पहले क्या पढ़ना था, फाइंड हिज कमीशन, तो हमने कमीशन फाइंड कर लिया. अभी आगे क्वेश्चन देखते हैं, एन एवरेज रेट ऑफ कमीशन फॉर द एंटायर डील. अब उसने रेट ऑफ कमीशन फाइंड करने बोला, हमारे पास कमीशन है फॉर द एंटायर डील. सेम फॉर्मूला यूज करेंगे, कमीशन इक्वल्स टू सेलिंग प्राइस इनटू रेट ऑफ कमीशन. कमीशन हमारे पास एंटायर डील का है, दैट इज 4,550. सेलिंग प्राइस एंटायर डील का है हमारे पास, दैट इज 75,000. और रेट ऑफ कमीशन हम फाइंड कर देंगे, इक्वल्स टू रेट ऑफ कमीशन. क्या करेंगे, 75,000 यहां पर मल्टीप्लाई हुआ है, यहां चले जाएगा 75,000, तो डिवाइड हो जाएगा. तो क्या करेंगे हम, सिंपली 4,550 डिवाइड बाय 75,000 इक्वल्स टू रेट ऑफ कमीशन आ जाएगा, दैट इज 0.06066 इक्वल्स टू 6.066%. Is it clear? Our fourth problem is a piece of land was sold for ₹4 lakh through a broker who received 1% commission from the seller and 2% from the buyer. Find the amount paid by the buyer. Also find the amount received by the seller and the broker. मैंने यहां पर दो बार कमीशन का फॉर्मूला लिख के रखा है, क्योंकि at the time of buy, at the time of purchase भी कमीशन पे हुआ है और at the time of sales भी कमीशन पे हुआ है. तो दोनों टाइम का कमीशन में अलग अलग फाइंड कर देता हूं. पहला, जो बायर खरीद रहा है उसका कमीशन, कमीशन इक्वल्स टू परचेज प्राइस इनटू रेट ऑफ कमीशन. तो परचेज प्राइस यहां पर 4 लाख है, जो बायर खरीद रहा है 4 लाख पे खरीद रहा है. और कमीशन कितना है, 2% फ्रॉम द बायर, यहां पर कमीशन है 2%. तो 4 लाख का 2% आ जाएगा आंसर 8,000. सेम यहां पर आ जाते हैं हम, सेल कितने में हो रहा है, सेल भी सेम अमाउंट में हो रहा है 4 लाख, जितने में खरीदेंगे उतने में ही बेचेंगे 4 लाख. और रेट ऑफ कमीशन एट द टाइम ऑफ सेल्स कितना है, 1% है, तो यहां पर हम 1% दे देते हैं. 4 लाख का 1% इज 4,000. इट मींस जो ब्रोकर है उसको 8,000 बायर से कमीशन मिल रहा है और 4,000 सेलर से कमीशन मिल रहा है. मतलब टोटल कमीशन ब्रोकर को 8 + 4 = 12,000 मिल रहा है. अब देखते हैं फाइंड क्या क्या करने बोला है. तो फाइंड द अमाउंट पेड बाय द बायर, बायर कितना पे कर रहा है. फाइंड द अमाउंट रिसीव्ड बाय द सेलर, सेलर कितना रिसीव कर रहा है. एंड ब्रोकर, तो ब्रोकर का अमाउंट हमको मिल गया, 8 + 4 = 12,000. अब हम पेड बाय द बायर फाइंड करेंगे. अमाउंट पेड बाय द बायर, जब भी याद रखेंगे कि बायर कितना पे कर रहा है, मतलब परचेस के ट्रांजैक्शन के अंदर हमेशा ब्रोकरेज या कमीशन प्लस होगा. परचेस के ट्रांजैक्शन के अंदर ब्रोकरेज या कमीशन प्लस होगा. तो परचेस प्राइस कितना है हमारे पास, 4 लाख का लैंड है
और कमीशन कितना है 8000, तो बायर कितना पे करेगा 4,08,000, इज इट क्लियर? बायर 4,08,000 पे करेगा, 4,00,000 जिसका लैंड है उसको पे करेगा और 8,000 ब्रोकर को पे करेगा, मतलब बायर के पास से कितना अमाउंट जा रहा है 4,08,000 जा रहा है। सेम यहां पे सेलर के पास आते हैं तो रिसीव्ड अमाउंट रिसीव्ड बाय द सेलर देखेंगे हम, तो 4,00,000 का लैंड था और सेलर ने 4,000 का ब्रोकरेज पे कर दिया या कमीशन पे कर दिया, तो सेलर को कितना अमाउंट आया 3,96,000। जैसा परचेज के वक्त कमीशन या ब्रोकरेज को प्लस किया जाता है वैसा ही सेल के वक्त कमीशन या ब्रोकरेज को माइनस किया जाता है, लेस किया जाता है। अगर याद नहीं रहता तो एक फंडा सीधा है, परचेस पी फॉर परचेस, पी फॉर प्लस, हमेशा प्लस करो, एस फॉर सेल, एस फॉर सब्ट्रैक्ट, हमेशा सब्ट्रैक्ट करो, माइनस करो, मतलब कमीशन यहां हमेशा प्लस होगा और यहां माइनस होगा। तो हमारे पास मिल गया अमाउंट पेड बाय द बायर इज 4,08,000, अमाउंट इश्यूड बाय द सेलर इज 3,96,000 और एक चीज पूछा उसने एंड द ब्रोकर, तो अमाउंट रिसीव बाय द ब्रोकर इज 8+4 दैट इज 12,000। मैं यही लिख देता हूं कि अमाउंट रिसीव्ड बाय द ब्रोकर इज 12,000, इज इट क्लियर? आज का लास्ट क्वेश्चन है हमारा, अ मर्चेंट इंस्ट्रक्ट्स हिज एजेंट टू बाय 1000 पेंस एंड सेल 15% अबव द परचेस प्राइस। मतलब मर्चेंट अपने एजेंट को बोल रहा है कि 1000 पेन परचेस करो और जो भी अमाउंट पे तुम परचेस करोगे उस पे 15% का सेलिंग प्राइस चार्ज करके, सॉरी 15% का प्रॉफिट चार्ज करके उसे बेच दो। द एजेंट चार्जेस 1% कमीशन ऑन परचेस, जब एजेंट परचेस करता है वो पेन को तो 1% का कमीशन चार्ज करता है, और 3% कमीशन ऑन द सेल्स, तो सेल्स के ऊपर वो 3% कमीशन चार्ज कर रहा है, और टोटल अमाउंट कमीशन का है 534, टोटल सेल्स का अमाउंट, सॉरी कमीशन का अमाउंट है 534। फाइंड द प्राइस एट विच द एजेंट बाय द पेन, मतलब एजेंट ने एक पेन, बाइज अ पेन, एक पेन कितने रुपए में परचेस किया था, तो हम यहां पर पहले अज्यूम कर देते, लेट द एजेंट परचेस अ पेन एट एक्स रुपीस, मतलब एजेंट ने एक पेन एक्स रुपीस में परचेस किया, तो टोटल परचेज अमाउंट कितना हो जाएगा, परचेज अमाउंट टोटल कितना हो जाएगा, 1000 पेन, एक पेन की कीमत एक्स, तो 1000 एक्स, ये टोटल परचेज अमाउंट ऑफ पेन है। आगे क्या बोल रहा है वो, उसको बेचना कितने में है, 15% अबाव द परचेज प्राइस, मतलब जितना भी परचेज प्राइस है उस पर 15% एड करने के बाद हमको बेचना है, तो 15% जो है वो हमारा प्रॉफिट है। प्रॉफिट किस पे फाइंड करनी है, परचेज प्राइस पे, परचेज प्राइस इनटू 15% का प्रॉफिट बोल रहा है। परचेज प्राइस कितना है हमारे पास, 1000x इनटू 15%, दैट इज 150x, मतलब अगर परचेज 1000x में किया है उस पे 150x का प्रॉफिट ऐड करके हमको सेलिंग अमाउंट मिल जाएगा या सेलिंग प्राइस मिल जाएगा। सेलिंग प्राइस इज 1000x प्लस 150x, दैट इज 1150x, इज इट क्लियर? ये हमारे पास परचेज प्राइस आ गया, परचेज अमाउंट आ गया और सेलिंग प्राइस या सेलिंग अमाउंट आ गया। अभी हमने फाइंड क्यों किया है, क्योंकि इसके बेसिस पे ही हम ब्रोकरेज या कमीशन फाइंड कर सकते हैं। अब हम कमीशन फाइंड करेंगे, कमीशन इक्वल्स टू, कमीशन किस पे फाइंड करेंगे, परचेस प्राइस पे, परचेस प्राइस कितना है 1000x इनटू,
रेट ऑफ कमीशन कितना है परचेज के टाइम पे, द एजेंट चार्जेस 1% कमीशन ऑन परचेज, तो रेट ऑफ कमीशन है 1%, 1000 का 1% इज 10x, तो हमारे पास कमीशन आ गया ऑन परचेज 10x. सेम सेलिंग के टाइम का कमीशन फाइंड करें, कमीशन इक्वल्स टू सेलिंग प्राइस दैट इज 1150x इनटू रेट ऑफ कमीशन दैट इज 3%, 1150 का 3% आएगा 34.5x. अब हमारे पास कमीशन यहां पर आ गया परचेस के टाइम का 10x और यहां पर आ गया 34.5x, तो टोटल कमीशन आ गया हमारे पास 44.5x. दिस इज द टोटल कमीशन, टोटल कमीशन हमारे पास एक्स में आ गया है और टोटल कमीशन हमारे पास अमाउंट में दिया हुआ है, तो हमारे पास एक्स का वैल्यू मिल जाएगा. देयरफॉर एक्स का वैल्यू इक्वल्स टू रुपीज 534 अपॉन 44.5. तो मैं सर कैसे आया, तो टोटल कमीशन हमारे पास 44.5x है और टोटल कमीशन का अमाउंट भी दिया हुआ है हमारे पास 534. ये नंबर यहां नीचे चला जाएगा, वही लिखा है मैंने 534 अपॉन 44.5, तो x इक्वल टू आ जाएगा 12 रुपया. और x हमने क्या अज्यूम किया था, लेट द एजेंट परचेज अ पेन, परचेजिंग प्राइस फाइंड किया था और क्वेश्चन के अंदर उसने वो भी पूछा है कि फाइंड द प्राइस एट विच द एजेंट बायज अ पेन, तो पेन जो बाय कर रहा है एजेंट उसका प्राइस कितना है 12 रुपीज. थैंक यू सो मच. प्रॉब्लम इज एट व्हाट प्राइस शुड गुड्स कॉस्टिंग रुपीज 16,000 बी सोल्ड थ्रू एन एजेंट सो दैट आफ्टर पेइंग हर कमीशन एट 4% ऑन सेल्स नेट प्रॉफिट ऑफ 20% ऑन कॉस्ट कैन बी मेड. बोलता है कि कोई गुड्स है जो 16,000 रुपीज का है, उसको एजेंट के थ्रू बेचना है 4% कमीशन पे, 4% कमीशन ऑन सेल्स, 4% कमीशन ऑन सेल्स पे बेचना है, और बेचने के बावजूद जो भी सेलर रहेगा उसको 20% प्रॉफिट होना चाहिए ऑन कॉस्ट. सेलर को प्रॉफिट होना चाहिए ऑन कॉस्ट. इसका इसका मतलब यह है कि पहले हमको प्रॉफिट भी ढूंढना है, हमको सेलर का सॉरी एजेंट का कमीशन भी ढूंढना है और सेलर का सेलिंग प्राइस भी ढूंढना है. उसने क्या पूछा, एट व्हाट प्राइस शुड गुड्स कॉस्टिंग सिस्टम टू बी सोल्ड, सिर्फ सेलिंग प्राइस पूछा है लेकिन हमको प्रॉफिट भी फाइंड करना पड़ेगा, कमीशन भी फाइंड करना पड़ेगा और सेलिंग प्राइस भी फाइंड करना पड़ेगा. ऐसे केस में हमेशा याद रखना, सबसे पहले पॉसिबिलिटी जो चीज की फाइंड करने की होगी वही चीज पहले फाइंड होगा. अब हम देखते हैं सेलिंग प्राइस तो फाइंड होएगा ही नहीं पहले, तो दो चीज बचे, कमीशन, कमीशन कितना बोला है 4% ऑन सेल्स बोला है और हमारे पास सेलिंग प्राइस ही नहीं है, तो सेलिंग प्राइस नहीं है तो हम कमीशन भी अभी तक फाइंड नहीं कर सकते. और नेट प्रॉफिट बोला है 20% ऑन कॉस्ट, कॉस्ट प्राइस इज देयर, हमारे पास कॉस्टिंग रुपीज है मतलब कॉस्ट प्राइस है, तो हम नेट प्रॉफिट फाइंड कर सकते हैं. तो हम ये प्रॉब्लम स्टार्ट कहां से करेंगे, नेट प्रॉफिट से करेंगे. तो नेट प्रॉफिट लिखता हूं मैं, नेट प्रॉफिट इक्वल्स टू क्या बोला है, 20% ऑन कॉस्ट, कॉस्ट कितना है 16,000, 16,000 का 20% कितना आ जाएगा 3,200. ये आ गया हमारे पास नेट प्रॉफिट. सेलर को कॉस्ट के ऊपर 20% का नेट प्रॉफिट चाहिए, मतलब सेलर को कितना पैसा चाहिए 16,000 और नेट प्रॉफिट दैट इज 3,200 मतलब 19,200. सेलर वांट्स 16,000 कॉस्ट प्लस 3,200 प्रॉफिट दैट इज 19,200 रुपीज सेलर को चाहिए, सेलर को चाहिए आफ्टर कमीशन, मतलब कमीशन पे करने के बाद इतना पैसा बचना चाहिए उसके पास. इज इट क्लियर स्टूडेंट. वापस बोलता हूं मैं एक बार कि सेलर को ब्रोकरेज सॉरी कमीशन देने के बाद भी 19,200 रुपीज बचना चाहिए,
तो सेलिंग प्राइस क्या होगा? अब बढ़ते हैं हम कमीशन की तरफ, तो कमीशन कितना परसेंट बोला है? 4% ऑन सेल्स बोला है कमीशन, सेल्स के ऊपर 4%। अगेन हमारे पास एक क्वेश्चन है कि सेल्स तो हमारे पास है ही नहीं, जब भी याद होगा सेल्स हमारे पास नहीं है और कमीशन भी उसने सेल्स पे फाइंड करने बोला है, तो याद रखना कि जिस पे भी कमीशन फाइंड करने बोलेगा वो ऑलवेज 100%। मतलब सेल्स जो है अमाउंट कितना है नहीं मालूम, बट इतना पता है हमको कि सेल्स जो है वो 100% है, कमीशन जो है 4% है, और इसके बाद जो अमाउंट बचेगा दैट इज 96%। मतलब सेलिंग प्राइस में से 4% कमीशन पे करने के बाद जो पैसा बचेगा दैट इज 96%। मतलब सेलर वांट्स 96%, तो 96% सेलर को चाहिए, और सेलर को कितना रुपया चाहिए वो भी हमारे पास है, दैट इज 19,200। मतलब 96% इज 19,200। अगर 19,200 96% है तो वी कैन कैलकुलेट 4% और 100%। मतलब अगर क्वेश्चन में कमीशन फाइंड करने बोलता तो विल फाइंड 4%, अगर क्वेश्चन में सेल फाइंड करने बोलता तो विल फाइंड 100%। तो हम देखते हैं क्वेश्चन में फाइंड क्या करने बोला है, कैन बी सोल्ड, सेलिंग प्राइस फाइंड करने बोला है, मतलब 100% फाइंड करने बोला है। Once again I will repeat के सेलर को 96% ही चाहिए, कैसे? 4% कमीशन पे कर रहा है सेलर ऑन सेल्स, ऑन सेल्स तो सेल्स 100%, जिसपे भी ऑन बोलेगा वो 100%, तो सेल्स 100% कमीशन 4%, 100 में से 4 कमीशन पे कर दिया तो बचा कितना 96%। मतलब सेलर को कितना बचने वाला है 96%, मतलब सेलर वॉन्ट्स 96%। ये परसेंटेज के अंदर है, हमने सेलर वांट्स अमाउंट में फाइंड किया, दैट इज 19,200, तो 96% इज 19,200, तो हम फाइंड करेंगे 100% कितना बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, कि 100 फाइंड करना है और 96 जो है वो 19,200 है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, दैट इज 19,200 इनटू 100 अपॉन 96, 96 वन द 96 टू द एट इज 20000 20,000, तो सेलिंग प्राइस इज 20,000। नेक्स्ट क्वेश्चन इज एन एजेंट रिसीव 2.5% कमीशन ऑन सेल अप टू रुपीज 12,000 एंड 4% ऑन सेल ओवर रुपीज 12,000। इट मीन्स अगर एजेंट 12,000 के अंदर सेल करता है, 12,000 से कम का सेल करता है, तो उसको 2.5% का कमीशन मिलेगा, और उसका सेल अगर 12,000 से ऊपर जाता है, 12,000 से ज्यादा होता है, तो उसको 4% का कमीशन मिलेगा। 12,000 तक 2.5%, 12,000 के ऊपर 1,000 की हो जाता है अगर, तो उसको कमीशन 4% मिलेगा उस 1,000 के ऊपर। यहां पर क्या बोला है, फाइंड द टोटल इनकम ऑफ एन एजेंट ऑन सेल ऑफ रुपीज 22,000, मतलब 22,000 के ऊपर उसको कितना कमीशन मिलेगा या कितना इनकम मिलेगा। तो पहले तो हम देखते हैं कि 22,000 में से उसको 12,000 जो है, पहले 12,000 उस पे 2.5% ही मिलेगा। अब 22,000 में से 12,000 पे 2.5% मिल रहा है, उसके अलावा कितना अमाउंट बच गया, उसके अमाउंट में 10,000 और बच गया, मतलब 12,000 के ऊपर उसने और 10,000 का सेल किया जिसपे उसको 4% का कमीशन मिल रहा है। इज इट क्लियर? यहां फॉर्मूले में सब्स्टिट्यूट कर देते हम कि सेलिंग प्राइस 12,000 है तो 2.5% कमीशन है, और सेलिंग प्राइस 10,000 है तो 4% का कमीशन है, 12,000 2.5% इज 300 और यहां पे 400, टोटल हो गया 700, मतलब सेलर को टोटल 700 रुपए का इनकम हो रहा है। इज इट क्लियर?